नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन शिवरात्रि कब पड़ रही है और सावन शिवरात्रि में आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करेंगे और किन मंत्रों का जप करेंगे जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। सावन का महीना भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। दोस्तों, इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन शिव भक्त महादेव का जल से अभिषेक करके सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन शिवरात्रि पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और ये पुण्य में वृद्धि करने वाला होता है। श्रावण माह का एक एक पल पुण्य एवं फलदायी माना गया है, किंतु इस माह की शिवरात्रि का दिन कुछ अधिक महत्व रखता है। शास्त्र कहते हैं, पुण्येन जायते पुत्र, पुण्येन लभते श्रियं, पुण्येन रोग नाशः स्यात् सर्वशास्त्रेण सम्मतः। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रियतमे, पुण्य कर्मों के करने से ही वंश की वृद्धि होती है। पुण्य कर्म करने से ही जीव कीर्तिमान होता है और इसी पुण्य कर्म में लगे रहने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए पाप पुण्य कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जीव पाप करके भी तभी तक सुखी रह पाता है जब तक कि उसके द्वारा संचित पुण्य कर्मों का कोष खाली नहीं होता। कोष खाली होते ही पाप कर्मों का फल मिलने लगता है। फिर जीव इतना परेशान हो जाता है कि उसे बचने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। श्रावण का महीना इसी पुण्य की पुनः वृद्धि करवाने वाला है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव पूजा का खास महत्व होता है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और अपने शिव गणों सहित पूरे महीने पृथ्वी पर विराजते हैं। शिव जब जीव का संहार करते हैं तो महाकाल बन जाते हैं। यही शिव महामृत्युंजय बनकर उसी जीव की रक्षा भी करते हैं, तो शंकर बनकर जीव का भरण पोषण भी करते हैं। यही योगियों के सूक्ष्म तत्व महारुद्र बनकर योगियों, साधकों, जीवात्माओं के अंतःस्थल में विराजते भी हैं और रुद्र बनकर महाविनाश लीला भी करते हैं। अर्थात स्वयं शिव ही ब्रह्मा और विष्णु के रूप में एकाकार देवों के देव महादेव बन जाते हैं। इन्हीं महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सावन में शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो आपको उसके अनुसार किस तरह से शिव पूजन करना है। शिवरात्रि के दिन शिव की आराधना पंचामृत से करें तो अति उत्तम होता है। शिव की ही ऐसी पूजा है जिसमें केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात पत्र, पुष्प, फल और जल मात्र से पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस दिन आपके पास जो भी वस्तु है उसे आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, साथ ही ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा जपते हुए वेल पत्र पर चंदन या अष्टगंध से राम राम लिखकर शिव पर चढ़ाएं। पुत्र पाने की इच्छा रखने वाले शिव भक्त मंदार पुष्प से, घर में सुख शांति चाहने वाले भक्त धतूरे के पुष्प अथवा फल से,
शत्रुओं पर विजय पाने वाले भक्त, मुकदमों में सफलता की इच्छा रखने वाले लोग भांग से शिव की पूजा करें तो सभी तरह की पराजय की आशंकाएं समाप्त हो जाएगी और आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, संपूर्ण कष्टों और पुनर्जन्म से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को गंगा जल और पंचामृत चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र को पढ़ते हुए सभी सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे लेकर समर्पण भाव से शिवलिंग को अर्पित करें। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ जो भी पूजन आप करेंगे उससे प्रसन्न होकर महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि इस प्रकार से आप जरूर सावन शिवरात्रि में शिव की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे और निश्चित ही भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।